जयपुर में दिल्ली रोड स्थित निम्स विश्वविद्यालय के निम्स मेडिकल कॉलेज में नेत्र विभाग की ओर से वर्ल्ड ऑप्टोमेट्री डे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पैरामेडिकल कॉलेज के ऑप्टोमेट्री ब्रांच के छात्रों ने नेत्रदान जागरूकता रैली निकाली। इस रैली को विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर बी आर मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवानगी की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेत्र विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर कविता भटनागर ने कहा कि ऑप्टोमेट्री के कंधों पर नेत्र विभाग का भार है। नेत्र जांच शिविर, चश्मे का नंबर, कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन एड, मरीज की आंखों की जांच और ऑपरेशन करवाने का भार ऑप्टोमेट्री के कंधों पर ही होता है। कार्यक्रम में डॉक्टर महेश अग्रवाल ने बताया कि ऑप्टोमेट्री नेत्र विभाग की बैकबोन है। उन्होंने नेत्रदान के प्रति छात्र छात्राओं को प्रेरित किया। पैरामेडिकल कॉलेज के प्राचार्य महेंद्र वर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर डॉक्टर राजू कुमार, मोहम्मद इशाक, नवल किशोर और मुकेश मौजूद रहे। ऑप्टोमेट्रिस्ट आर द बैकबोन ऑफ ऑप्थोलॉजी डिपार्टमेंट। आपके पास बहुत सारे काम करने को है जो आप करते हैं। बच्चों की विजन, बच्चों का अच्छा विजन करना, बच्चों की फुल विजन देखना, स्कूल हेल्थ एग्जामिनेशन, कम्युनिटी ऑप्थोलॉजी एग्जामिनेशन, कैंप्स में जाना, वहाँ से पेशेंट को सेलेक्ट करना, पेशेंट को ऑपरेशन में लाना, वहाँ पर मरीज की डोर के ऊपर जाकर मरीज का इलाज करना, अस्पताल में बढ़िया विजन मिले, बढ़िया पेशेंट देखने को मिले, ये सब ऑप्टोमेट्रिस्ट का काम है। इसके अलावा पेशेंट के सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस प्रोवाइड करना, पेशेंट को देख करके अगर स्क्रूट कलेक्शन है या कोई डायग्नोसिस का उसका इलाज करवाना। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।